नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आज हूँ मैं अशोक मेटल वर्क्स पे। एक्चुअली क्या है, अपना ट्राला यहाँ पे खड़ा हुआ है। उनको कुछ धान बेचना थी उनको, और ट्रॉली छोटी पड़ी थी, धान बहुत सारी थी, तो मैंने उनको दिया था उधार। तो अब मैं यहीं रख के उसको छोड़ दिया अभी, क्योंकि ट्रैक्टर जो है बिजी है अपने, तो मैंने निकलवाया नहीं। तो वो रखा हुआ है, लापरवाही ये थी इनके ड्राइवर्स की कि उसमें बहुत सारा पानी भर गया, जो धान बची थी वो उग आई है ना। तो अब मैं उसको थोड़ा सा आगे से ऊंचा करवा रहा हूँ ताकि जो पानी आए तो वो नीचे गिर जाए। तो उसके लिए आ रहा है ट्रैक्टर। पचास 55E फोर व्हील ड्राइव, और इस पर लोडर वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं इसको, और खेती में भी करते हैं थोड़ा बहुत यूज़। का साउंड काफ़ी बेकार है, जॉन डियर जैसा लगता ही नहीं है बिकॉज ऑफ दिस पोल्ट्री पंप, और पता नहीं क्या क्या है इसी वजह से ट्रैक्टर फेल हो गया। पहले ये टापलिंग ऊंची करो, नहीं अड़ जाएगी उसमें। और ये सामने हो रही है भैया, कल है 15 अगस्त, उसके लिए झंडा वंदन की तैयारी। सुबह 7 बजे ये कार्यक्रम किया जाएगा। ये देखो सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। ये पीछे पोल खड़ा कर दिया है, कल सुबह 7 बजे ओपन करेंगे झंडा वंदन। लगाओ इसके नीचे वो टापलिंग, साइड में कर लेना, ऊपर खड़ो ऊपर, हाँ लिंकों के ऊपर रखो, पट्टी की तरह अपन ऊपर उठाएंगे। हाँ ऐसे ये टापलिंग साइड में करो, नहीं तो टेढ़ी हो जाएगी। ऊपर 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 खींच के, हाँ उठाओ। और ऊपर करो, और ऊपर करो, बस हाँ ठीक है ठीक है। अभी क्या ट्राले की हाइट हो गई है ऊंची, तो ये पानी इसमें भराएगा नहीं, तो जंग लग रही थी। के अंदर से सारा पानी निकल रहा है। धान जो पड़ी हुई थी वो उगाई है। परमानेंटली खुलो रहने भाई यार, खोलो इसके दोनों पिने, यानी कुल मिला के तुम वो नहला हो गए। हम ये देखो भैया लापरवाही, धान लग गई। हाँ उधार देने में ये होता है लापरवाही। ये धान जो भर के ले गए थे ये उग आई है, और देखो जंग के इसमें हालात पूरे में जंग ही जंग हो गई है। इस स्थिति से साफ होता है कि कभी किसी को उधार नहीं देना चाहिए सामान। देखो लापरवाही, धान उग रही है, ये नहीं कि साफ करके रख दें। तो आज है 14 अगस्त और हो रही है तैयारी झंडा वंदन के लिए। ये पूरे ग्राउंड को साफ कर रहे हैं, और कल फहराया जाएगा तिरंगा।